कि मैम का आज हम कैरेटिन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम ये फर्स्ट वाला जो डीप क्लिनजिंग शैम्पू है वो लेंगे एंड देन उसके बाद तो सोल्यूशन यूज करेंगे। फर्स्ट वॉश ले रहे हैं उसके लिए हम ये कैरास्टार का डीप क्लिनजिंग शैम्पू यूज करेंगे। ये शैम्पू लगाने के बाद 10 मिनट वेट करेंगे एंड देन उसके बाद वॉश करेंगे। ऐसे हम दो बार शैम्पू करने वाले हैं। शैम्पू लावायचा 10 मिनट थांबायचं एंड मग वॉश करायचं। सेकेंड टाइम हम शैम्पू यूज कर रहे हैं। पूरे बालों को अच्छे से हम शैम्पू लगा लेंगे क्योंकि बालों के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन होने चाहिए। अभी हम सेकेंड वॉश ले रहे हैं। क्या करेंगे, घर में बड़ी फैमिली है, वो खड़े रह रहे थे, वो भी आते नहीं। और डॉक्टर को कह रहे हो कोई बात नहीं करना है। अब हम सेकेंड सोल्यूशन ले रहे हैं, कैरेटिन सोल्यूशन। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लेंगे। और तीन सेक्शन में इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। करके थ्री डॉट्स में इसको अप्लाई करेंगे और बालों में अच्छे से मर्ज करेंगे। Thank you.
ऍक्च्युली वर्काने घेतले ते मी केलाय कलर. जर आपण वर घेतले ना केस तर तिथले केस फेड होती आलं का. अच्छा मग तेच मी म्हणलं ते असे फोल्ड करून लावतात पण का नाही लावले त्याचं कारण आहे. स्किन कलर केलाय हो ऑलरेडी लाईट कलर केला पण जर एकाच ठिकाणी जर ते फ्री करून ठेवले ना तर मग काय होतील तिथले केस लाईट होतील. सॉल्यूशन बालों में अच्छे से पेनिट्रेट होने के लिए हम इसे 45 मिनट से छोड़ देंगे. इसके बाद हम आई नहीं गर्म होता है ना अपना माथा तो जल्दी फेड कर देता है. स्टार्टिंग में हम टेम्परेचर 210 रखेंगे. ये लीस का आयरन मशीन है तो उसका जो टेम्परेचर लिखा है वो फॉरन कंट्री के हिसाब से लिखा है. और इंडियन का जो टेम्परेचर है वो 410 जो होगा वो हमारे यहाँ पे तो उसमें ठीक है. अच्छा ठीक है आ गया.
Tal vez capturaré la. हमने इनका कैरेटिन किया था तो आज हमने इनको वॉश के लिए बुलाया, तो वॉश के पहले हम इनका
फिर से आयनिंग करके लिया है, फिर से आयनिंग करके लिया है। तो आयनिंग के बाद हम 10 मिनट वेट करेंगे और देन उसके बाद हम इनका जो थर्ड नंबर का शैम्पू और फोर्थ नंबर का जो कंडीशनर आता है उससे वॉश करेंगे। दस मिनट वेट करने के बाद हम बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद तीन नंबर का जो शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू है ये, तो इससे हम एक बार बालों को अच्छे से शैम्पू कर लेंगे। जैसे गर्म पानी में थोड़े से नहीं तो इजीली जाऊ दे, सरल सरल जाऊ दे, थोड़ा सा हाथ है और पानी सोड़। व्यवस्थित लागला शॅम्पू आता कसं ओपन हो अभी हम चार नंबर का जो कंडीशनर है वो यूज करेंगे। कंडीशनर लगाने के बाद हम यहाँ पे 7 से 10 मिनट वेट करेंगे और फिर उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर देंगे।
ये हमारे क्लाइंट का वॉश के बाद केराटिन का फाइनल लुक है। अगर केराटिन का रिजल्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।